नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से, जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण में गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना की शुचिता को परखने के लिए अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने अतरैठ और अतरौलिया सरकारी गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। कोटेदारों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वितरण केंद्र से पूरा अनाज नहीं मिलता, जिसकी जांच के लिए आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जो खाद्यान्न कोटेदारों को वितरण किया जा रहा है, उसके बोरों को और अनाज दोनों की तौल लिखने का निर्देश दिए गए तथा इसकी रिपोर्ट शाम तक उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं। SMI प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि निकासी हेतु जिस क्षेत्रीय लेखपाल की ड्यूटी लगी हुई है वो अनुपस्थित रहता है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को लेखपाल को तलब करने का आदेश दिया। ये सरकारी गोदाम में जो खाद्यान्न का उठान हो रहा है, कोटेदारों के यहाँ पहुँच रहा है, जैसे यहाँ अतरौलिया में ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर डोर डिलीवरी है कोटेदार के दरवाजे तक, कोटेदार के माध्यम से जो ब्लॉक स्तरीय गोदाम है वहाँ से पहुँचाया जाता है। फिर तो ठीक है, इनका ताकपट्टी करके इन्होंने तौल करके भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन SDM साहब को निर्देशित किए हैं कि जो यहाँ से जा रहा है उसको लेकर रैंडमली इसको चेक कर लें कि वहाँ तक गोदाम में कोटेदार के घर तक सही खाद्यान्न पहुँच रहा कि नहीं पहुँच रहा, और जब वितरण होगा तो हम लोग ये भी देखेंगे खाद्यान्न सही नहीं। इसीलिए हम लोग नियमित रूप से सभी अधिकारी भ्रमाशील हैं और देख रहे हैं, और जो लोग गलती में पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, और पिछले महीने भी और इस महीने भी FIR भी हुए हैं, और कुछ लोग जो दोषी पाए गए हैं जेल भेजे गए हैं, तो इसमें निरंतर कार्रवाई हो रही है और इसमें सुधार हुआ और आगे भी सुधार किया जाए। की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।